हेलो दोस्त, एक आज के डेट में आप कह सकते हैं 27/8/21 अगर कह सकते हैं। यहाँ के डेट में एक अपडेट आ रहा है जिसमें आपको बताया जा रहा है ग्रुप डी की एग्ज़ाम 27/10/2021 से लेके 12/21 तक फर्स्ट पेज का एग्ज़ाम होगा। सोशल मीडिया पर है, आरआरबी वेबसाइट पे नहीं। तो नोटिस फॉर सीबीटी एग्ज़ाम सही है क्या गलत है? तो अगर माने तो ये 10 से 12 बार ऐसा हो चुका है। मैं तो कई बार वीडियो ही नहीं बनाया था कि क्या बनाना इस पे, लेकिन थोड़ा सा अभी कई लोगों का कमेंट आ रहा है कि बहुत दिन हो गए, कुछ तो बताया जाए क्या होगा। तो दोस्त, सबसे पहले चीज़ है कि कुछ बताने के लिए कुछ मटेरियल भी होनी चाहिए। न्यूज़पेपर दिखाना तो मेरा काम है नहीं, पेपर कटिंग से काम चलना नहीं है, मैं गलत चीज़ें कैसे दिखाऊँ? तो एक सोशल मीडिया पे आया है, मैं तो चाह रहा था कि इसको नहीं दिखाया जाए, लेकिन लोगों का कमेंट आ रहा है उसके कारण से मैं यहाँ पे व्हाट्सएप पे कमेंट आया है, ध्यान दीजिएगा, जिसमें कहा जा रहा है कि ये देखिए नोटिस का ये डिटेल है और ये हमें लग रहा है टेलीग्राम से लिया हुआ है और हो सकता है और भी चीज़ों से लिया हो, क्योंकि इस नोटिस के नीचे मैं अभी कुछ देख रहा था, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट था किसका, आपकी शॉप किसी डिलीवरी का कह सकते हैं, किसी भी हो सकता है, नाम किसी का हो। तो वो नोटिस में देखिएगा, कई सारे नोटिस में है, हम मैंने उसको हटा दिया है थोड़ा सा। तो अब नाट हटाने के बाद अगर नोटिस को देखें तो नोटिस से तो लग रहा है एनटीपीसी का कॉपी किया हुआ है, सारा चीज़ बोल्ड लेटर सब कुछ सही तरीके से किया गया है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा सा अगर बात करें, आज है 27/8/21 और एग्ज़ाम का बात बताया जा रहा है 27/10 का। तो एक्चुअली ये 60 दिन पहले तो नोटिस कभी नहीं आता है, ऐसे इस प्रकार का नोटिस 60 दिन पहले नहीं आता है। 7 दिन पहले क्यों नहीं आता है मैं बता दूं, क्योंकि अगर होता है तो ये लिख देता कि एक्सपेक्टेड टू, 10वें महीने का नाम लिख देता, क्या लिख देता, अक्टूबर एंड नवंबर मंथ हो सकता है, ऐसा नोटिस नहीं निकलता जिसमें ये बताया जाता कि आपका एग्जामिनेशन यहाँ से है। तो इस पे मुझे सस्पेंस है और पूरी तरह से सस्पेंस है। हालांकि लेटर बनाने वाले ने कोशिश किया है कि सही बनाया जाए और यहाँ पे नोटिस फॉर एग्ज़ाम फॉर CBT 1 केवल लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे RRC ज़रूर होता, RRC 1/19 यहाँ भी होता 2/19। तो एक चीज़ यहाँ मिस्टेक मुझे लग रहा है, बाकी चीज़ें तो है कि पहले के कंडीशन का जो NTPC है सेम वैसे ही लिखा हुआ है और लास्ट में डेट यहाँ पे दिया हुआ है उस तरीके से। लेकिन इसको हम अगर वेरीफाई करना चाहें तो मुझे कहीं नहीं मिलेगा। मैं 10-12 वेबसाइट एक बार खोल देता हूँ, 2-4 खोल देता हूँ। RRB रांची देखिए, रांची पे कहीं कोई अपडेट नहीं है। लास्ट अपडेट आपका कब का है? तो लास्ट अपडेट आपका 14 तारीख का है, उसके बाद अभी कोई अपडेट नहीं है। दूसरी RRB की बात करेंगे तो एक मिनट रुक जाइए, मैं दूसरा RRB बात करता हूँ। इलाहाबाद, यहाँ पे 19 तारीख का अपडेट है, इसके बाद कोई अपडेट नहीं है। चंडीगढ़ की बात करेंगे तो चंडीगढ़ में हमारे पास कब का अपडेट है लास्ट, ये भी आपका 14/8 का है, जो आपका पेमेंट लिंक का था। उसके बाद आगे RRB की बात करेंगे तो आगे RRB हमारे पास भोपाल है, भोपाल में देखिएगा तो लास्ट अपडेट यहाँ पर है, एक कैंडिडेट का LP टेक्नीशियन का पैनल आया था 23/8 को, वो अपडेट है। उसके बाद अगर अगले RRB की बात करें तो अगला RRB हमारे पास कौन सा आता है, मैं अजमेर भी ले लेता हूँ, यहाँ लास्ट अपडेट 30/6 का है, इसके बाद न्यूज अपडेट कोई नहीं हुआ है। तो कैसे मैं मान लूँ कि ये नोटिफिकेशन जो जारी हो रहा है, नोटिस शेयर हो रहा है, ये सही है? देखिए, कुछ चीज़ आती है वेबसाइट पे आती है और वेबसाइट पे आने के ही हम ऑफिशियल मानते हैं। तो अभी देखिए कोई नहीं है। अब कुछ लोग कहते हैं कि आपका एक्सपेक्टेड है क्या, कुछ एक्सपेक्टेड कर सकते हैं? तो मेरा दोस्त लगता है एक्सपेक्टेड के हम लास्ट इंड में हो चुके हैं। हमने अपने तरफ से एक्सपेक्ट किया था कि 15 से 30 अगस्त के बीच कुछ ना कुछ, 30 या 31 कह सकते हैं, आपका डिटेल आएगा और आज हो चुका है 27/8/2021, अभी तक अपडेट नहीं आया है। तो मेरा एक्सपेक्टेड तो 4 दिन में अगर नहीं आता है तो मैं मानता हूं कि मेरा एक्सपेक्टेड फेल हो गया है, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगा तभी ऑफिशियल होता है, ये सब नोटिस से कुछ नहीं होने वाला। नोटिस आएगा तो रेलवे वेबसाइट पे भी देगा और रेलवे वेबसाइट पे अगर 27 तारीख का नोटिस होता है तो 5-6 बजे तक हो जाता, 8 बजे तक का इंतज़ार नहीं करता। थैंक यू, धन्यवाद।